नमस्कार मैं हूं पलक मदान और स्वागत करती हूं आपका एस डी एम सी टी वी में जैसे कि आप सभी जानते हैं आज हमारे साथ बहुत ही खास व्यक्तित्व जुड़ी हैं मिस स्नेहा उपाध्याय जो आज तक के चैनल में सीनियर प्रोड्यूसर हैं स्वागत करती हूं मैम आपका थैंक यू पलक मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक जो आपका मीडिया इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है जो भी आपका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है बहुत ही शानदार अगर मैं बोलूँ कि आ, मुझे दस ग्यारह साल हो गए इस इंडस्ट्री में अगर मैं अपनी इंटर्नशिप के वक्त को छोड़ दूँ तो और ये ग्यारह साल बहुत ही खूबसूरत है मैम कोई भी ऐसा मेमोरेबल डे या कोई भी ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करनी चाहेंगी मैंने जनरली एंटरटेनमेंट को कवर किया है मेरे लिए एक बहुत ख़ास मौका था अक्सर जब भी आ, हम लोग रिपोर्टिंग पर जाते हैं तो एक दो स्टार्स या उनके फिल्म प्रमोशन के लिए हम लोग उनसे मिलते हैं पर एक वक्त था जब मैं आइफा को कवर करने गई थी और वहाँ पे आइफा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुझे एक साथ कई सारे स्टार्स और डायरेक्टर्स मिले थे मुझे याद है करण जौहर शाहिद कपूर रणबीर कपूर कार्तिक आर्यन दिया मिर्ज़ा और मेरे लिए ये जैसे आप बोल रहे ना कि छक्का लग गया बस मैच विनिंग पॉइंट तो ये काफ़ी मेमोरेबल uh, था प्लस uh, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में थी और रशिया uh, टुडे uh, एक प्रोग्राम करता है यंग जर्नलिस्ट के लिए और पूरा खर्चा रशिया टूडे उठाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मौका था कि मैं एक जर्नलिस्ट होके इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए रशिया गई थी तो जस्ट बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड इसलिए मुझे ये मौका मिला मैम uh, जैसे कि अब हम देख रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं तो ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं कि हम इस बदलाव के साथ ओरिएंटेड भी रहें और क्या जैसे मीडिया इंडस्ट्री में अब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बची हैं जो मतलब लोग अब करियर परस्यू कर रहे हैं इसमें वो क्या क्या और कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कब हुई कभी ना ख़त्म हुई हैं ना कभी ख़त्म होंगी मीडिया हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है और अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात ना भी करूं तो मुझे बताओ पूरी दुनिया में कहाँ पे कोई एक ऐसा देश जहाँ पे मीडिया का अस्तित्व नहीं है हर जगह है बिना मीडिया के कुछ भी नहीं है आप अगर कहेंगे कि टेलीविज़न नहीं है तो वेब है वेब नहीं है तो रेडियो है रेडियो नहीं है तो प्रिंट है अखबार है पर मीडिया तो है तो जो भी बच्चे आ रहे हैं या जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या लोग जो नए हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसको अगर हम ये सोचें कि छोटी सी इंडस्ट्री है या ख़त्म हो रहे हैं नई चीज़ों की वजह से और नई टेक्नोलॉजी पे भी आपने सवाल पूछा ना नए चेंजेस पे तो हाँ जो बदलाव हो रहे हैं तो उसके लिए तो सिर्फ इट इज़ लर्निंग आपको हर दिन सीखने की ज़रूरत है और वो सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में नहीं हर इंडस्ट्री में मैम एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या जो अब मीडिया इंडस्ट्री अ, मतलब इंडस्ट्री रेडी होने वाले हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी बहुत बहुत मेहनत करो क्योंकि हमारे ये फील्ड में ना कुछ भी आसान नहीं है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया और चीज़ें खत्म आपको हर दिन पढ़ना है हर नई चीज़ के बारे में जानना है आपके पास हर जानकारी मौजूद होनी चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करनी है और बस लगे रहिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम तो ये थी हमारे साथ मिस स्नेहा उपाध्याय जिन्होंने हमें मीडिया इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी ऐसे ही और जानकारी के साथ बने रहिए एस टीवी टी के साथ